हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फार्मा वॉरियर हब में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्लोकुलेटेड और डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, जैसे लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि सस्पेंशन क्या होते हैं, उनके बारे में जाना था कि विस्तार से बात की थी कि सस्पेंशन ये होते हैं हमारा। तो फिर लास्ट में हमने बात की थी जो हमारे सस्पेंशन होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, फ्लोकुलेटेड और डीफ्लोकुलेटेड। तो फ्रेंड्स, उसी को आज कंटिन्यू करने वाले हैं, उनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि फ्लोकुलेटेड डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन क्या होते हैं, उसके बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इससे पहले आपको इसका पहला पार्ट जरूर देखना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर आप इसको देखेंगे तो आपको समझ में कम आएगा, अगर आप इसका फर्स्ट पार्ट से देखेंगे तो आपको समझ में ज्यादा आएगा। तो फ्रेंड्स, आपसे इसलिए आशा करता हूं कि रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप पहली मतलब इस वीडियो को देख रहे हैं तो इससे पहले आपको इसका फर्स्ट पार्ट जरूर देखना चाहिए कि व्हाट इज सस्पेंशन, सस्पेंशन क्या होता है, फिर आप यहां से स्टार्ट करें कि इसका सेकंड पार्ट कि सस्पेंशन के टाइप्स होते हैं फ्लोकुलेटेड और डीफ्लोकुलेटेड। तो फ्रेंड्स, आज उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं, बात करते हैं सस्पेंशन के टाइप्स की बात करते हैं आज। तो फ्रेंड्स, जो हम बात करने वाले हैं आज, कंपैरिजन में बात करेंगे दोनों के कि डीफ्लोकुलेटेड और फ्लोकुलेटेड हमारे क्या होते हैं, उनके कंपैरिजन में बात करेंगे, पॉइंट वाइज बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट पॉइंट लेते हैं अपना, द पार्टिकल्स फॉर्म लूज एग्रीगेट्स एंड फॉर्म अ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। इसने क्या, जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, एक लूज क्या बनाते हैं, एक लूज एग्रीगेट बनाते हैं, जिसकी वजह से एक हमारे क्या एक नेटवर्क स्ट्रक्चर बन जाता है। फिर इसने क्या कहा कि मतलब जो हमारे पार्टिकल है वो सेटल डाउन होते हैं, धीरे 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 से बैठते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, जो हमारे क्या उनका नीचे बैठ जाएंगे तो क्या एग्रीगेशन बनाएंगे, एग्रीगेशन फॉर्म करेंगे। द पार्टिकल एग्जिस्ट एज सेपरेट एंटिटीज़। इसने कहा जो हमारे डीफ्लोकुलेटेड होते हैं उसके अंदर जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो एक इंडिविजुअल अपनी अलग अलग एंटिटीज़ होती है, इंडिविजुअल होती है, एंटिटीज़ होती है। ये बात की हमने फ्लोकुलेटेड डीफ्लोकुलेटेड में। अब सेकेंड पॉइंट में बात करते हैं, वीकली बॉन्डेड टू फॉर्म अ फ्लफी कॉन्ग्लोमरेट्स। इसने क्या कहा, जो हमारे क्या होगा फ्लोकुलेटेड जो पार्टिकल्स होते हैं उसके अंदर जो हमारे क्या करते हैं, जो पार्टिकल्स सेटल डाउन होते हैं नीचे नीचे बैठते हैं, धीरे धीरे जाते हैं नीचे बैठते हैं, तो वो क्या करते हैं एक फ्लफी, फ्लफी का मतलब एक फुसफुसासा क्या बनाते हैं, फ्लफी कॉन्ग्लोमरेट्स बनाते हैं। लेकिन इधर क्या होता है, जो हमारा उसमें होता है डीफ्लोकुलेटेड में क्या होता है, रिपल्सन फोर एनर्जी क्या होती है, हाई होती है, क्या जो हमारी रिपल्सिव एनर्जी होती है वो हाई होती है। इसके बारे में जो आप इसको पॉइंट को आप नेक्स्ट जब आगे बात करें वहाँ पे आपको समझ में आएगा ये पॉइंट कि जो रिपल्सिव एनर्जी होती है वो क्या होती है, वो हाई होती है, तो उसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। तो आइए बात करते हैं, द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इज हाई। तो मतलब फ्रेंड, जो यहाँ पे बात की है सेडिमेंटेशन की, तो सेडिमेंटेशन का मतलब होता है उसका सेटल डाउन हो जाए, जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं किसी दवाई हम होते हैं, हमारे जो लिक्विड फॉर्म में दवाई होती है उसके अंदर जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेडिमेंट होने लगते हैं, मतलब बैठने लगते हैं, नीचे नीचे जाने लगते हैं, सेडिमेंटेशन होने लगते हैं। तो वही बात की है कि यहाँ पे जो रेट होगा सेडिमेंटेशन का, मतलब पार्टिकल के बैठने का, वो क्या होगा, वो हाई होगा, क्या होगा, हाई होगा। लेकिन इधर क्या होगा डीफ्लोकुलेटेड में, द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इज स्लो। इधर क्या होगा, इधर जो रेट होगा वो क्या होगा, स्लो होगा, मतलब जो पार्टिकल है हमारा धीरे धीरे जाकर के बैठेंगे हमारे नीचे, किसके बोतल जो हमारी होती है बोतल के बॉटम में जाकर के धीरे धीरे बैठेंगे। फिर फ्लोकुलेटेड की बात करते हैं, सेडिमेंट इज रैपिडली फॉर्म। इसने कहा जो हमारे सेडिमेंट होगा जब जाकर के नीचे बैठ जाएंगे पार्टिकल, जल्दी जल्दी जाएंगे, मतलब क्या है, हाईली जाएंगे, तेजी से जाएंगे, तो क्या करेंगे एकदम से रैपिडली जाकर के फॉर्म्ड बना लेंगे। लेकिन इन कंपेरिजन से बात करते हैं डीफ्लोकुलेटेड में, तो सेडिमेंटेशन इज स्लोली फॉर्म्ड, मतलब क्या होगा, सेडिमेंटेशन होगा वो हमारा वो स्लोली होगा, मतलब क्या, जो पार्टिकल है हमारा वो धीरे 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 जाकर के हमारे बोतल के बॉटम में सेटल डाउन होंगे। फिर बात करते हैं नेक्स्ट में, सेडिमेंटेशन इज लूजली पैक्ड एंड डज नॉट फॉर्म अ हार्ड केक। हार्ड केक और लूजली पैक्ड, तो हमारा जो पार्टिकल होंगे जैसे हमने बात की है फ्लोकुलेटेड में, जो पार्टिकल है हमारा क्या होगा, रैपिडली जाएंगे और क्या बताएंगे, हाईली जाएंगे, और फिर धीरे बात की थी उनके फ्लफी बनाएंगे, फ्लफी तो मतलब क्या होगा, जब फ्लफी बनाएंगे तो जिसकी वजह से वो क्या होगा, जब बोतल के बोटम में जाकर के बैठ जाएंगे, तो जिसकी वजह से हार्ड केक नहीं बनाएंगे। केक का मतलब क्या होता है कि वो पूरी तरह से जाकर के एक लेयर नहीं बनाएंगे, ठोस लेयर नहीं बनाएंगे वहाँ पर जाकर के किसमें, बोतल में। लेकिन इधर क्या होता है डीफ्लोकुलेटेड में, जो सेडिमेंटेशन होता है वो क्या होता है, वो क्लोजली पैक्ड होता है और क्या बनाता है, एक हार्ड केक बनाता है। हार्ड केक का मतलब एक जाकर के नीचे बोतल के बोटम में जाकर के नीचे जाकर के एक लेयर बना देगा, हार्ड लेयर बना देगा, जिसको क्या है, जिसको केक कहा गया है, यहाँ पे हार्ड केक कहा गया है। फिर बात करते हैं सेडिमेंटेशन इज इजीली रिडिस्पर्स। इजीली डिस्पर्स के मतलब, रिडिस्पर्स से मतलब है यहाँ पे कि जो हमारा पार्टिकल है जैसे पहली फॉर्म में था, री का मतलब दूसरी, पहले पहले वाली, री का मतलब जैसे पहले था वो ऐसे ही दूसरी अपनी फॉर्म में आ जाए, वापस आ जाए, तो उसको रिडिस्पर्स कहा गया है, मतलब जैसे अपनी पहली फॉर्म में था ऐसे ही अपने दोबारा से उसी फॉर्म में आ जाए। तो जब आपने देखा हो ये सेडिमेंटेशन होते हैं किसमें, फ्लोकुलेटेड में, जो होता है हमारा जो सेडिमेंट होता है वो क्या, वो आसानी से अपनी पहले वाली फॉर्म में ही आ जाता है।
लेकिन इधर क्या होता है, सेडिमेंटेशन क्या होता है, इज डिफिकल्ट टू रिडिस्पर्स, मतलब क्या जो अपनी उसकी पहली फॉर्म होती है उसमें आने में डिफिकल्ट होती है, मतलब क्या उसमें कुछ और मेथड लगाने पड़ेंगे हमको उसकी फॉर्म में लाने के लिए जैसे वो पहले था। लेकिन इधर क्या होता है, इधर आसानी से हिलाने पर ही अपनी फॉर्म में आ जाएगा। जैसे आपने देखा होगा कि आप कोई दवाई लेकर के आते हो पीने वाली, तो उस पर लिखा गया होता है कि शेक वेल बिफोर यूज, मतलब उसको पीने से पहले उसको अच्छे से हिला ले। तो क्यों लिखा गया था, वो इसी कारण लिखा गया होता है क्योंकि उसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से वो क्या कर सकते हैं, केक भी बना सकते हैं। अगर वो फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन है तो वो क्या होगा, आसानी से रिडिस्पर्स हो जाएगा, मतलब जैसे पहले था अगर हिलाने पे फिर अपनी वैसी फॉर्म में आ जाएगा, जो उसके अंदर दवाई थी वो पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, क्या हो जाती है, होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगी हमारे उसमें दवाई में। लेकिन जो हमारी इधर क्या होगा, डीफ्लोकुलेटेड, अगर डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन होगा तो हिलाने पर वो क्या होगा, आसानी से अपनी रिडिस्पर्स फॉर्म में नहीं आएगा, जिसकी वजह जो हमारी दवाई है वो नीचे बैठी रह जाएगी और हमें जो इफेक्ट आना है वो कम से कम आएगा। तो फ्रेंड नेक्स्ट बात करते हैं, सस्पेंशन इज नॉट प्लीजिंग इन अपेरेंस, मतलब जो हमारे सस्पेंशन होते हैं, प्लीजिंग मतलब देखने में क्या, प्लीजिंग मतलब देखने में क्या होगा, अपेरेंस उनकी अच्छी नहीं लगती, मतलब क्या होगा, अनप्लीजेंट स्टेट में होते हैं इन कंडीशन ऑफ किस में, फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन में। लेकिन जो हमारे फ्लोकुलेटेड डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन होते हैं उसके अंदर क्या होता है फ्रेंड्स हमारा, उसके अंदर जो हमारा क्या होती है, जो स्टेट होती है सस्पेंशन की, वो क्या होती है, प्लीजिंग स्टेट में होता है। प्लीजिंग स्टेट है मतलब क्या होता है, एग्जिस्टिंग स्टेट में होता है, मतलब कि जो उसकी प्लीजेंट स्टेट है उसमें होता है, क्योंकि देखने में अच्छा लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि जो हमारे पार्टिकल्स जैसे हमने बात की थी कि लूजली पैक्ड हो रहे हैं, अपनी जगह बना रहे हैं, मतलब क्या लूजली पैक्ड हो रहे हैं, एक बाउंड बना रहे हैं अपने, तो इसलिए से आसानी से क्या हो गए, देखने में भी अच्छे लगेंगे, क्योंकि हार्ड केक बनाएंगे फिर इसी वजह से हार्ड केक बनाएंगे, क्योंकि वो क्या हो गए, वो लूजली पैक्ड हो गए, और जिसकी वजह से क्या होंगी, प्लीजेंट इसी वजह से देखने में अच्छी लगेगी। तो फ्रेंड नेक्स्ट बात करते हैं, जो फ्लोकुलेटेड हमारे सस्पेंशन होते हैं वो स्टिक हो जाते हैं टू द साइड ऑफ द बॉटम, मतलब जो बोतल होती है हमारे, बोतल होती है जिसमें बोतल में आपका दवाई है, उस बोतल की जो वॉल्स होते हैं, दीवार होते हैं, उन पे क्या चिपक जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं। लेकिन जो हमारे डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन होते हैं वो ऐसा नहीं करते, वो ऐसा क्यों नहीं करते, तो फ्रेंड्स जो हमारे डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन होते हैं वो क्या होते हैं, वो सीधा सिर्फ बॉटम में ही जा करके बाइंड होते हैं, मतलब बॉटम में जा करके चिपकते हैं, ना कि इधर उधर वॉल में चिपके। ऐसा हमारा कौन करते हैं, ऐसे हमारे करते हैं फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन, जो क्या करते हैं हमारी बोतल की वॉल्स में चिपक जाते हैं। लेकिन डीफ्लोकुलेटेड में ऐसा नहीं होता, वो सिर्फ जाके सीधा बॉटम में ही जा करके बाइंड होते हैं और जा करके क्या करते हैं, एक फ्लोकुलेटेड क्या करते हैं, एक हार्ड केक बना देते हैं। तो फ्रेंड्स ये बात की हमने आज फ्लोकुलेटेड डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन के बारे में। तो फ्रेंड्स अगर आपको कोई डाउट हो तो यू कैन कमेंट, आपके कमेंट का जरूर जवाब दिया जाएगा। You can comment and you can take a screenshot. आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स इसलिए एक सब्सक्राइब, एक लाइक और शेयर तो बनता है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ एक बार फिर से, You can take a screenshot. तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स एंड कीप सपोर्टिंग।